जय हिंद सभी को। सैमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। आज की वीडियो के अंदर हम पॉलिटिकल के थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने दो चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दी है, जिसने नहीं देखा है वो जरूर देख लें। और हिस्ट्री की तीन चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, उन वीडियोज़ को पूरा देखें और सारी चीज़ें समझो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रखी हैं मैंने, पिक्चर्स के साथ सारी चीज़ें समझा रखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिटिकल के थर्ड चैप्टर के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हमारे आज हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे इस चैप्टर के। सबसे पहले है राज्य और समाज, यानी कि राज्य और समाज होता क्या है। बहुत ज़्यादा ईजी है, दिमाग यहीं रखे रहना, वरना दिमाग क्या हो जाएगा, भंड हो जाएगा दिमाग। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर क्या है कि राज्य और सरकार क्या है, राज्य और समाज क्या है, तो हम जानते हैं इसको। तो यहाँ क्या बोला गया है, राज्य एक राजनीतिक समाज है जिसके चार घटक हैं। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने राज्य के चारों घटक के बारे में बता रखा है। जिसने नहीं देखा वो जाके अच्छे से समझ लें, नोट्स भी दे रखा है मैंने उसमें वीडियो के एंड में, सारे बच्चों को ढंग से देख लेना है वो। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य के चार आवश्यक तत्व मैंने पहले बता दिया था, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। तो एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि राज्य बिना इन चार तत्वों के कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या है, कुछ भी नहीं है, तो दिमाग यही रखो। देखो, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, प्रभुसत्ता, तो हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि राज्य जो है इन चार तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और राज्य क्या है, कि राज्य कानून के माध्यम से स्वाभाविक रूप से शक्ति का प्रयोग करके सामाजिक आचार विचार को नियंत्रित रखता है। यानी कि राज्य क्या करेगा, राजनीतिक तरीके से हमारे ऊपर नियंत्रण रखेगा। ठीक है, कानून वगैरह बनाएगा, कानून बनाकर पूरे राज्य की जनता को एक सुचारू रूप से संचालन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और वो नीति नियम कानून वगैरह हमारे राज्य के लोगों के लिए बनाते हैं। हर राज्य सरकार अपने लिए अलग अलग कानून का निर्माण करती है, समझ में आ गई बात। तो राज्य क्या है, राज्य कानून का निर्माण करती है। ठीक है, राज्य सिर्फ राजनीतिक आचार विचार को देखती है। ठीक है, लेकिन समाज क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, इनके बारे में आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएगा सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो जाके देख लेना। उसके बाद क्या है, राज्य के बारे में पता चला। ठीक है, लेकिन समाज क्या है भाई, तो समाज ऐसे लोगों का समूह है जो अपने सामान्य हितों और आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे से मिलजुल कर करते हैं। तो देखो, समाज में क्या होता है कि समाज एक तरीके से हमारे जब कोई जन्म लेता है उस समय से ही हमारी जो भूमिका है वो समाज के साथ जुड़ जाती है, और हम समाज से ए टू जेड चीज़ें सीखते हैं। यानी कि समाज में नैतिक उत्थान वगैरह और इससे जुड़े हुए समाज में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं हम सब में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, तो समाज क्या है, हमारे जन्म से ही जुड़ जाता है हमारे साथ, और हम समाज का हिस्सा जन्म से ही हो जाते हैं। लेकिन राज्य क्या है, तो हम राज्य का सदस्य कब बनते हैं, जब हम राजनीतिक भूमिकाओं में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गई बात। तो राज्य क्या है, समाज क्या है, पता चल गया। समाज क्या है, लोगों का एक ऐसा समूह है जो अपने हितों के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जब वो समाज बन जाएगा तो उसी के बाद जो है वो राज्य का रूप लेता है। तो पहले कौन आया होगा, सोचो, राज्य या समाज, तो पहले समाज का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो पहले समाज बना होगा फिर जाकर राज्य, यानी कि जब लोग जुड़े होंगे, उनकी आवश्यकताएं बढ़ी होंगी, तो उन्होंने राज्य का निर्माण करा, सरकार आई। ठीक है, तो उसके बाद लोगों की इच्छाएं वहां पर प्रकट होने लग गई और राज्य ने उसी हिसाब से लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू कर दिया। तो आई होप सबको समझ में आया होगा राज्य और समाज में क्या क्या चीजें हैं वो सारी। तो सारे बच्चों को समझ में आया होगा राज्य और समाज क्या है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। इसके बारे में जानना है तो पिछली वीडियो के अंदर, यानी पिछले चैप्टर के लास्ट में, लास्ट पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो चलो हम जानते हैं इस वाले टॉपिक में क्या है। तो राज्य और समाज में भेद जानने वाले हैं, इसमें जाना था राज्य और समाज होता क्या है, इसमें जानने वाले हैं राज्य और समाज के अंदर भेद क्या क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, समाज राज्य से प्राचीन है। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि भाई पहले कौन आया होगा, राज्य या समाज, तो पहले समाज का निर्माण हुआ था, यह चीज याद रखना। समाज में रहते हुए लोगों ने अपनी इच्छाएं व्यक्त की होंगी, सामाजिक ग्रुप बना होगा, सामाजिक समूह बना होगा। उसके बाद लोगों ने क्या करा कि जब उनको उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या करा कि प्रशासनिक इकाई के तौर पर राज्य का निर्माण
किया गया। समझ में आ गई बात। थोड़ी सी लाइनें जरा मैं बता दूं आप लोग को कि क्या है इसमें, कि हाँ समाज की उत्पत्ति राज्य से पहले हुई। जैसा मैंने आप लोग को बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए वह आरंभ से ही समाज में रहता आया है। हम लोग क्या है, सामाजिक प्राणी है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी समाज से जुड़ा हुआ है। तो वही चीज है, पहले कौन आया, समाज आया। उसके बाद हम बाद में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसके साथ जुड़े, राज्य के सदस्य बने। क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड जो हमारा है, समाज की सदस्यता ऐच्छिक है, राज्य की अनिवार्य। अनिवार्य मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो यहां क्या, ऐच्छिक मतलब क्या है, अपनी इच्छा पे है। आप किसी समाज के सदस्य बन भी सकते हैं और आप अपनी इच्छा से उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप यहां पर इसकी सदस्यता, राज्य की सदस्यता अपनी इच्छा से छोड़ नहीं सकते हैं। ये चीज बच्चों याद रखना, ठीक है। छोटी सी लाइन है कि व्यक्ति समाज की सदस्यता छोड़ भी सकता है क्योंकि वह ऐच्छिक है और किसी भी दूसरे समाज में जाकर जुड़ सकता है। आज आप इस समाज का सदस्य हैं, कल दूसरे समाज के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, ये चीज याद रखना। राज्य की सदस्यता क्या है, होना ही होना है उसका, एक न एक राज्य का आपको सदस्य बनना ही है। व्यक्ति अपनी इच्छा से ना इसे छोड़ सकता है और ना ही किसी अन्य राज्य का सदस्य बन सकता है। आप अपनी इच्छा से, भाई क्या है कि लोग बोलते हैं कि मैं यहाँ अपनी इच्छा से ये राज्य छोड़ दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप समाज छोड़ सकते हैं अपनी इच्छा से, उसकी भागीदारिता आप वापस ले सकते हैं, लेकिन राज्य की भागीदारिता आप वापस नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऐच्छिक नहीं है, ये क्या है, अनिवार्य है। क्लियर हो गया सबको, ये चीज याद रखना। तीसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है बच्चों, जरा ध्यान से समझना। मैंने देखो क्या बता दिया, समाज राज्य से प्राचीन है, ये बता दिया, ठीक है। समाज की सदस्यता जो है ऐच्छिक होती है और राज्य की अनिवार्य होती है, ये मैंने बता दिया। तीसरा वाला जानते हैं बच्चों, देखो क्या है, समाज के लिए निश्चित भूभाग आवश्यक नहीं है। किसके लिए आवश्यक है, राज्य के लिए। तो ये याद रखना कि भाई राज्य के लिए निश्चित भूभाग होना चाहिए, राज्य के लिए होना चाहिए, ना कि समाज के लिए होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि राज्य क्या है, इन चार आवश्यक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, अगर भूभाग नहीं होगा तो राज्य सरकार की एक जो एक बाउंड्री होगी वो कैसे अपने नियम कानून को लागू करेगा, ठीक है ना। जब एक निश्चित भूभाग होगा तब तो अपने राज्य के अंदर वो नियम कायदे कानून लागू कर सकता है ना, तो वही चीज। तो यहाँ पर निश्चित भूभाग किसके लिए आवश्यक होगा, राज्य के लिए, ना कि समाज के लिए। तो देखो क्या है कि यहाँ पर जिसमें वह आदेश लागू कर सके, परंतु समाज के लिए निश्चित भूभाग आवश्यक नहीं है। समाज पूरे संसार, देश, स्थानीय समाज के तौर पर भी मिल सकती है। यानी कि समाज देखो, आप क्या है, एक राज्य से अलग किसी सामाजिक समूह में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे भाई एक सामाजिक समूह है आपका दूसरे राज्य में, तो आप उसके भी सदस्य बन सकते हैं, लेकिन याद रखना आप किसी दूसरे राज्य के सदस्य नहीं बन सकते। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर आपको सीएम बनना है तो क्या सीएम दो राज्य का सीएम बनोगे आप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 5 साल महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं तो आप जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद किसी और राज्य के जो है सीएम बन सकते हैं, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक समय पर दो राज्यों के जो है सीएम बन सके। तो समझ में आ गया होगा। तो राज्य की जो सदस्यता है या बोल सकते हैं निश्चित भूभाग है, वो राज्य के लिए होना जरूरी है, ना कि समाज के लिए। क्लियर हो गया। आप समाज तो कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, सामाजिक सदस्य आप कहीं के भी बन सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखो तुमको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है, और भी बता दूंगा अभी। बस मेरी एक बात याद रखना कि जिस तरीके से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्या करें, इन सारी चीज़ों को समझो और दिमाग में बस अपने समझ समझ के एक तरीके से, और इसको कॉपियों में लिखा करो। बाकी नोट्स तो वीडियो के एंड में मिलेगा ही, लेकिन आपको एग्ज़ाम में करना क्या है कि नोट्स जिस तरीके से मैंने आप लोग को दिए हैं उसको पढ़ो और अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करो, पॉलिटिकल की लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करो, जो आप लोग को समझ में आ रहा हो। मेरी बातों को समझो सिर्फ, ठीक है, और वीडियो के एंड में नोट्स पढ़ो और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत आप लोगों को भी करनी है, बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है। तो ध्यान से समझना। उसके बाद है ये वाला, समझ में आ गया, समाज के लिए निश्चित भूभाग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद है भाई राज्य के लिए संगठित होना आवश्यक है। ये चीज़ याद रखना कि भाई राज्य के लिए संगठित होना आवश्यक है। कैसे, समाज में लोगों के संगठित और असंगठित सभी प्रकार के संबंध सम्मिलित होते हैं। मैं आज उस समाज में शामिल हूँ, कल उस समाज में नहीं भी हूँ, आज इस सामाजिक समूह में हूँ, कल इस सामाजिक समूह का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन आपको राज्य का जो है
परमानेंट सदस्य बनना ही पड़ेगा। यानी कि क्या है, देखो कि समाज के सदस्यों के लिए संगठित होना आवश्यक नहीं है। आप सामाजिक समूह चेंज भी कर दें कोई बात नहीं, वे संगठित भी हो सकते हैं और नहीं भी, परंतु एक चीज याद रखना, परंतु राज्य के लोगों का राजनीतिक दृष्टि से संगठित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप राज्य के सदस्य राजनीतिक तौर पर बनना ही पड़ेगा जिस राज्य में आप रह रहे हैं, बिना संगठन के राज्य नहीं बन सकता। तो समझ में आ गई बात, जब आप जैसे बोला ना जनसंख्या बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसमें संगठन बनाना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसकी सदस्यता आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, ये हो गया, राज्य के लिए संगठित होना आवश्यक है और किसके लिए नहीं, समाज के लिए। आप समाज का सदस्यता छोड़ भी सकते हैं और उसमें दूसरे समाज में भी जुड़ सकते हैं। लास्ट है बच्चों, इसमें ध्यान से सुनते रहना, राज्य और समाज के उद्देश्य क्या होते हैं। दोनों की इंटेंशन अलग अलग है, उद्देश्य अलग अलग होगा। जैसे राज्यों के उद्देश्य के मुकाबले में समाज के उद्देश्य अधिक विस्तृत तथा व्यापक होते हैं। ठीक है, जो राज्यों का उद्देश्य है वो सिर्फ राजनीतिक स्तर तक ही सीमित है, समझ में आई बात। लेकिन हाँ, समाज की जो सदस्यता है, समाज का जो उद्देश्य है वो बहुत सारी चीज़ों में होता है। ठीक है, जैसे देखो, समाज व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के विकास के लिए प्रयत्न करता है, हम शुरू से ही समाज के साथ जुड़े होते हैं ना, तो इसीलिए। जबकि राज्य व्यक्ति के राजनीतिक जीवन, जैसे मैंने अभी बताया, वो सिर्फ राजनीतिक जीवन से ही जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज है। और व्यक्ति के नैतिक जीवन को विकसित करने का प्रयत्न समाज करता है, राज्य के क्षेत्र से यह बाहर है। हमारे नैतिक मूल्यों का, या बोल सकते हैं नैतिक उत्थान कौन करता है, हमारा समाज करता है, राज्य नहीं करता। राज्य सिर्फ क्या करता है, राजनीतिक भागीदारिता देता है हमें। राज्य क्लियर हो गया, तो राजनीति में जुड़ना है तो राज्य के साथ जुड़े। अगर आपको नैतिक उत्थान या दुनिया भर की सारी चीजें आपको समाज से सीखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारा जन्म ही समाज में होता है और उसी समाज से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं सीख सीख कर। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। दो टॉपिक करवा दिया मैंने, समाज और मतलब राज्य और समाज, और यहाँ पर राज्य और समाज में भेद बता दिया है। सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, वीडियो के एंड में क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहो, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। ठीक है ना, धन्यवाद।